गुड मॉर्निंग क्लास थ्री, वेलकम टू EVS ऑनलाइन क्लासेस। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर चैप्टर 13, यूजफुल एनिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानुजा टॉकिंग टू हर फादर। मानुजा कोई गर्ल है जो अपने फादर से टॉक कर रही है, बातें कर रही है। नमन, वन ऑफ माई क्लासमेट ऑफन टीजेज एनिमल। ही इवन पेल्ट्स स्टोन्स एंड डॉग्स एंड पुल्स अ कैट्स टेल। तो देखो, मनुजा क्या बोल रही है अपने फादर से कि हमारी क्लास में एक नमन नाम का लड़का है जो एनिमल्स को क्या करता है, टीज करता है, परेशान करता है, डॉग्स पर पत्थर फेंकता है और कैट्स जो बिल्लियों के पूछ पकड़ता है, ठीक है, उन्हें बहुत परेशान करता है। फादर टेलिंग मानुजा, फादर बताते हैं मानुजा को, वेल इट इज़ कम्प्लीटली अनफेयर टू ट्रीट एनिमल्स इन दिस वे। तो ये क्या है, कम्प्लीटली अनफेयर है, ये अच्छा तरीका नहीं है किसी एनिमल को ट्रीट करने का। दे टू फील पेन एंड फील बैड व्हेन समबडी टीजेस देम। तो क्या होता है जब हम उनके साथ ऐसा करते हैं एनिमल्स के साथ, तो उनको क्या होता है, पेन होता है, पेन फील होता है। दे आल्सो मेक अवर एनवायरनमेंट, वो हमारा क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट, पर्यावरण बनाते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल्स हैव द फॉलोइंग यूजेस टू अस। एनिमल्स के कुछ यूजेस हैं, तो देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ फूड, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ फूड, यानी वो फूड के गुड सोर्सेज हैं, यानी एनिमल्स से हमें फूड मिलता है। दे आर हेल्पफुल इन अवर वर्क, और वो हमारे वर्क में भी हेल्पफुल हैं। काउ, गोट, बफेलो, डंकी, हॉर्स एंड शेप आर डोमेस्टिक एनिमल, ये सभी क्या हैं, डोमेस्टिक एनिमल हैं। We keep them under shades near our houses or in farms. इनको हम हमारे घरों में शेड बनाकर या फार्म हाउस पर रखते हैं। In fact, a cow is source of milk. एक जो काउ है वो सोर्स ऑफ मिल्क, यानी काउ से हमें दूध मिलता है। We make cheese, curd, butter, cream, खोया and ice cream from milk. और दूध से हम चीज़, curd, butter, cream, खोया, ice cream ये सब बना सकते हैं। While the sheep provide us wool, which is used to make woolen clothes, blankets and carpets. जबकि sheep जो है, भेड़ जो है, ठीक है, उनसे हमें वूल मिलता है और उससे हम woolen clothes, blanket और carpet बनाते हैं। आगे आते हैं, आगे देखिए। Hen gives us eggs and meat. Hen जो है हमें egg देती है, meat देती है। हनी बी इज़ अ सोर्स ऑफ हनी, हनी बी यानी मधुमक्खी सोर्स है किसका, हनी का। इट इज़ अ टेस्टी स्वीट लिक्विड, ये कैसा होता है, मीठा लिक्विड जैसे होता है। इट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू टू, और इसकी औषधि के रूप में भी शहद को काम में, हनी को काम में लिया जाता है। गोट्स आर सोर्सेज ऑफ मिल्क एंड मीट, गोट्स जो है उनसे भी हमें मिल्क एंड मीट मिलता है। सिल्क वॉर्म इज़ ए सोर्स ऑफ सिल्क, सिल्क थ्रेड इज़ यूज फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क वॉर्म जो है वो किसका सोर्स है, सिल्क का, और सिल्क थ्रेड किसके काम में लिया जाता है, सिल्क थ्रेड यूज होता है सिल्क क्लोथ्स बनाने में। हॉर्स, म्यूल एंड डंकी पुल कार्ट्स, ये जो है हॉर्स, म्यूल एंड डंकी, ये कार्ट को पुल करने के काम में आते हैं। एलिफेंट कैरी हैवी थिंग्स लाइक टिम्बर लॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। एलिफेंट किस काम में लिया जाता है, एलिफेंट का क्या यूजेज है, भारी सामान को इधर से उधर ले जाने में। आगे आता है, ऑक्सन आर यूज टू प्लो फील्ड्स एंड पुल कार्ट्स। ऑक्सन का क्या यूज है कि उनसे खेत प्लो करवाए जाते हैं, जुतवाए जाते हैं, खेत जुत में जुतवाने में काम आते हैं, और कार्ट्स भी पुल की जाती हैं। इन एडिशन टू इट वी आल्सो कीप कैट्स, हम घरों में बिल्लियों को भी पालते हैं। रैबिट्स एंड डॉग्स एज अवर पेट्स, जैसे कैट्स, रैबिट्स और डॉग्स हम हमारे पेट्स घरों में रखते हैं इस तरह के। कैट्स कीप द रैट्स अवे फ्रॉम हाउस, कैट्स रखने से क्या होता है, जो चूहे होते हैं वो घरों से दूर रहते हैं। डॉग गार्ड्स अवर हाउसेज एवरी टाइम, और जो डॉग है वो हमारे हाउस को एवरी टाइम गार्ड करता है। वाइल अ रैबिट एंटरटेन अस, और जो रैबिट है वो हमेशा एंटरटेन करता है। तो देखिए, ए कैट विद अ रैट इन इट्स माउथ एंड अ डॉग गार्ड्स अवर हाउसेज एवरी टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं, नोइंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट्स।
फर्स्ट है टू गिव देम गुड फूड टू ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। तो हम किस तरह देखभाल कर सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स की, तो सबसे पहले हमें उन्हें गुड फूड देना चाहिए, क्लीन वाटर देना चाहिए ड्रिंक करने के लिए, टू कीप देम नीट एंड क्लीन इनको हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, टू कीप देयर शेल्टर्स एयरी एंड क्लीन इनका जो शेल्टर हम देते हैं इनको रहने के लिए वो क्लीन और हवादार होना चाहिए, नॉट टू बी क्रूल टू देम उनके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, क्रूल निर्दयी नहीं होना चाहिए, लव एंड शो काइंडनेस टू देम हमें उन्हें लव और काइंडनेस दिखाना चाहिए, टेक देम टू द वेट्स फॉर ट्रीटमेंट व्हेन दे आर इल और जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनकी देखरेख करनी चाहिए, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, नो मोर वेट्स आर कॉल्ड द वेटरनरी डॉक्टर्स टू ट्रीट एनिमल्स। वेट्स उनको बोला जाता है वेटरनरी डॉक्टर्स को जो जानवर की देखभाल करते हैं उन डॉक्टर्स को, एन एनिमल हॉस्पिटल इज कॉल्ड अ वेटरनरी हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना चैप्टर है 13 वो कंप्लीट होता है। एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।